लेकिन अगर वो राजनीति से संन्यास लेकर के पार्टी किसी और को सौंप दें और वो फिर धर्म का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो यही कहूँगा तो फिर किसी को सरकारी घोषित करें जैसे मानव साहब काशीराम ने किया था और उसको पार्टी हवाले करें। आप उसकी वो बनी रहे क्या नाम आपके कन्वीनर बनी रहे और वो अपना धर्म का काम करें। कौन सी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कानून मंत्री के इस्तीफा देने के बाद धर्म का काम किया, दूसरी साल धर्म का काम किया तो धर्म का काम भी जरूरी है। अम्बेडकर को पढ़ लेगा, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझ लेगा, जो बुद्ध की क्रांति को समझ लेगा, वो बीजेपी के साथ उसकी कभी जिंदगी में ना तो पड़ सकती है। नेता का नाम बता दो। प्रदेश अरे कौन जानना है प्रदेश अध्यक्ष को? उत्तर प्रदेश के राम जी गौतम जी सांसद हैं, ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं। वो वहाँ गए क्या? आकाश आनंद क्यों नहीं गए? मेरा सवाल है, आकाश आनंद जो हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, बहन जी के भतीजे हैं, और क्या हम उनको नेता बना रहे हैं? हम उनको आने वाले समय में ये कयास लगाया जाएगा कि वो सही चलेंगे तो उनकी हार वाली पार्टी सौंपी जाएगी। आकाश आनंद क्यों नहीं गए? आकाश आनंद को क्या दिक्कत है? राम जी गौतम तो हमारे और आपके जैसे हैं, हम भी चले जाएंगे, वो भी चलेंगे, पार्टी के सांसद और भी दो चार लोग चले जाएंगे, लेकिन जो प्रभाव आकाश आनंद के पहुंचने से पड़ता वो राम जी गौतम के पहुंचने से नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग कहते हैं कि बीएसपी के नेता सड़क पर उतरेंगे तो फिर उन पर केस होंगे, एफआईआर होंगे, फिर तो आप राजनीति करोगे सब कुछ होगा। आप राजनीति में हो तो सब कुछ होगा। नहीं, आम लोगों पर होगा ना? नहीं, आम लोगों पर क्यों होगा? 2 अप्रैल में क्यों होगा? 2 अप्रैल का आंदोलन था, उसमें बहुत सारी चीज अलग है, लेकिन अगर कोई बड़ा नेता आंदोलन को क्या नाम लीड करेगा तो कैसे होगा? मानव साहब काशीराम ने कितने आंदोलन किए? क्या कोई मुकदमे हुए? आज भी समाज इतने आंदोलन करता है, कानूनी तरीके से करिए ना आप। 2 तारीख का जो आंदोलन था उसको कोई नेतृत्व नहीं, उसका कोई लीड नहीं कर रहा था, उसका कोई नेतृत्व नहीं, भीड़ थी उसमें और वो 18 से 25 साल के युवा थे, इसलिए मुकदमे हुई उसमें, इसलिए तोड़फोड़ हुई। लेकिन अगर कोई बड़ा नेता बाहर निकल करके उस आंदोलन को लीड करता तो उसमें वो नहीं होता, लोग उसकी बात को मानते, उसकी बात को स्वीकार करते, लेकिन उसको वो लीड ही नहीं कर रहा था। सर, बीएसपी की चुनावी हार उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन जो देश भर के दलित नेता हैं उनको एक असुरक्षा की भावना जो है महसूस होने लगी है, जैसे कि चिराग पासवान का बंगला खाली करा दिया गया, बाबा साहब की जो तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं, वो सड़क पर पड़ी हुई हैं, उनको अब जो है दलित राजनीति याद आने लगी है। देखिए, जितने लोग पिटेंगे उतने लोग एक मंच पर आएंगे, चाहे आप चिराग पासवान की बात कर लो, चाहे उदितराज की बात कर लो, चाहे और कांग्रेस के नेता दलित नेता उनकी बात कर लो, आरपी जो भी है, आरपी गौतम वगैरह, बहुत सारे लोगों के नाम एक बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक बसपा मजबूत रहेगी, जब तक बसपा मजबूत रहेगी, एक दिवंगत नेता थे हमारे बीच नहीं है, रामविलास पासवान साहब, बसपा 2007 में 12 में विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद में उनसे मिलने के लिए गया, किसी काम से उनके पास गया था, उनके आवास पे था, तो उनके वो बड़े उदास थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही कि राहुल यार तुम्हें कुछ करना चाहिए, बसपा हार गई, हम तो किराए के मकान में रह रहे हैं, दूसरी पार्टियों की रह करके राजनीति कर रहे हैं, अपने समाज का कम से कम एक राजनीतिक दल था तो हमारी भी ताकत रहती थी, हमारी दूसरी पार्टियों को लगता था यार इनको इनकी कदर करो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बसपा मजबूत है, बहन जी मजबूत है, बसपा के पास में अपना वोट है, बसपा की सरकार है, तो जो दूसरे दलित नेता दूसरी पार्टियों में उनकी भी बकत है, बसपा खत्म हो जाएगी उनकी बकत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो उनको दूध इसलिए पिला रहे हैं क्योंकि बसपा को उन्हें कमजोर करवाना है, लेकिन जब बसपा कमजोर हो जाएगी तो फिर दूध कौन पिलाएगा? किसी को नहीं पिलाएगा ना, तो ये तो समझना चाहिए, तो दलित एक्टिविस्टों को, दलित पॉलिटिशियन को, सबको समझना चाहिए। लेकिन चिराग पासवान तो खुद कहते थे कि मैं तो हनुमान हूँ, मोदी जी का भक्त हूँ। ओहो, भक्त होने से क्या हो रहा है? हनुमान होने से क्या हो रहा है? रहोगे तो दलित ही, भक्त होने से क्या हो रहा है? भक्तों के जी मैं तो भक्त हूँ, भक्तों को पूछ कौन रहा है भाई? या भक्तों की जरूरत नहीं है, अम्बेडकरवादियों की जरूरत है। रामविलास पासवान राजनीति में इसलिए स्थापित हो गए थे उस समय में क्योंकि वो अम्बेडकरवाद की बात करते थे। चिराग पासवान सफल नहीं हो पाएगा राजनीति में क्योंकि वो अम्बेडकरवादी है ही नहीं, उसे पता ही नहीं। देखा उन्होंने रामविलास पासवान के मरने के बाद में किस तरीके से अपने पिताजी का अंतिम संस्कार वगैरह सारा, और वो हिंदू रीति से गाय दान करना, ये दान करना, वो दान करना, तो अम्बेडकरवाद कहाँ है वहाँ? वो तो है नहीं अम्बेडकरवाद। लेकिन जो अभी हालात बने हुए हैं, कई सुझाव ऐसे आ रहे हैं कि अगर बीएसपी को दोबारा खड़ा करना है तो बहन जी को बौद्ध धर्म अपनाना चाहिए। नहीं, बौद्ध धर्म अपनाना ना अपनाना ये व्यक्तिगत, देखिए धर्म किसी का व्यक्तिगत मामला, मैं ये नहीं कहूँगा वो बौद्ध धर्म अपनाए ना अपनाए, वो बौद्ध धर्म से सारे रीति रिवाज करती है तो बौद्ध धर्म बुद्धिस्ट ही एक तरीके से, अब बौद्ध धर्म अपनाने से कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी। लेकिन अगर वो राजनीति से संन्यास लेकर के पार्टी किसी और को सौंप दें और वो फिर धर्म का काम करें तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं तो यही कहूँगा। अगर आप चाहते हैं बहन जी संन्यास ले लें, हाँ बिल्कुल, अगर उनको लगता है कि मुझे संन्यास लेना चाहिए तो अपने किसी को उत्तराधिकारी घोषित करें जैसे मानव साहब काशीराम ने किया था और उसको पार्टी हवाले करें। आप उसकी वो बनी रहे क्या नाम राष्ट्रीय कन्वीनर बनी रहे और वो अपना धर्म का काम करें। कौन सी वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 1956 में कानून मंत्री के इस्तीफा देने के बाद धर्म का काम किया, 2-3 साल धर्म का काम किया तो धर्म का काम भी जरूरी है। नागपाल जी, जो बीजेपी अम्बेडकर मिशन योजना चला रही है, क्या दलित राजनीति सिमट जाएगी बीजेपी की तरफ को? जो अम्बेडकर को पढ़ लेगा, जो फूले अम्बेडकर आंदोलन को समझ लेगा,
जो बुद्ध की क्रांति को समझ लेगा वो बीजेपी के साथ उसकी कभी जिंदगी में ना तो पड़ सकती है, पट सकती है ना पटेगी। कारण सीधा सा है, अम्बेडकरवाद जो है वो गांधीवाद के साथ या क्या नाम और किसी बात के हिंदूवाद के साथ नहीं चल सकता। डॉक्टर अम्बेडकर की किताब है पार्टीज़न इंडिया एंड पाकिस्तान, आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं हमेशा कि हिंदूवाद जो है वो लोकतंत्र के लिए सबसे नुकसानदायक है, और लोकतंत्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है वो लोकतांत्रिक ढांचे पर टिकी हुई है। तो आप इसको समझिए, डॉक्टर अम्बेडकर को जो पढ़ लेगा जो समझ लेगा वो बीजेपी में नहीं रह सकता, कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए रह सकता है। उदित राज जी थे जब तक टिकट, जब वो एमपी रहे, जब मोदी जी उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लगा था हमें पता है कि मैं भी चौकीदार, जब टिकट कट गया तो मैं चौकीदार नहीं हूँ। तो टिकट की राजनीति है ना, आप समझिए इस चीज़ को। उदित राज जी का कोई समाज से लेना देना नहीं है, उदित राज जी का अगर टिकट बीजेपी से हो जाता तो बीजेपी में होते वो, लेकिन चूंकि उनका टिकट कट गया, टिकट काट के हंसराज सिंगर को दे दिया, गायक को दे दिया, हंसराज हंस को, तो वो खपा हो गए साहब, मैं तो दलित हूँ मेरा तो शोषण हो गया। तो वो दलित तब तक ही रहते हैं जब तक वो टिकट उनको मिल जाता है, जब टिकट नहीं मिलता तो फिर वो दलित हो जाता है। सर तीन दशक पहले तक जो है जो भारतीय राजनीति के बड़ी पार्टियां हैं, बड़े नेता हैं, वो गांधी को लेकर राजनीति करते थे, लेकिन अब सभी पार्टियां अंबेडकर साहब को लेकर राजनीति कर रही हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे ये बीजेपी भी अंबेडकर मिशन योजना चला रही है ये, लेकिन बाबा साहब के सपने को पूरा तो नहीं करते दिख रहे हैं। आप दो चीज समझ लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भदंतानंद कौशल्यान बड़े बौद्ध भिक्षु थे, बाबा साहब के साथी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि सरकारें लोग जो है वो गांधी को भुला देना चाहते लेकिन सरकार नहीं भूलने देती, और सरकार अंबेडकर को भुला देना चाहती है लेकिन लोग नहीं भूलने देते। डॉक्टर अंबेडकर किसी के भुलाने की आइटम नहीं है, चीज़ नहीं है, और डॉक्टर अंबेडकर की विचार है, और डॉक्टर अंबेडकर जो विचार है वो आने वाले हजार साल के बाद जब हम इस कालखंड में कहीं नहीं रहेंगे तब भी वो डॉक्टर अंबेडकर रहेंगे, विचार रहेगा डॉक्टर अंबेडकर का। तो डॉक्टर अंबेडकर चूंकि विचार है, और अब आपने जो कहा कि हर पार्टी उनको अपना रही है, तो डॉक्टर अंबेडकर को एक छत्र इस देश के अंदर कांग्रेस का राज रहा तो गांधीवाद रहा, लेकिन जैसी सरकारें चेंज हुई तो उनको क्या चाहिए था, जब चेंज हुई तो जब बीजेपी बसपा आई, डी एस फोर आई, वाम से पाई, दलित मूवमेंट तेज हुए, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा तेज हुई, तो लोगों में जागरूकता आई। आज पंजाब की चाहे आम आदमी की सरकार है, चाहे दिल्ली की आम आदमी की सरकार है, वो भी कह रहे हैं भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, तो पता है ना देश के अंदर 25% एससी वोट है, उन्हें पता है कि पंजाब के अंदर जट सिख जो है वो अच्छा खासा अच्छी खासी संख्या में। तो डॉक्टर अम्बेडकर लोगों की मजबूरी है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को जैसे केजरीवाल साहब ने कहा कि मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत तगड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा आदमी सामने पूछता तो मैं बताओ डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था मैं रामकृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, क्या आप इसको इस बात को मानते हो? डॉक्टर अम्बेडकर का कह देने से भक्ति नहीं होता, डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिक्रिया पर कौन कितना खरा उतरता है वो देखने वाली बात है। चलिए ठीक है, 7 मिनट की कार्रवाई दो।